हेलो फ्रेंड, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। स्वागत आपका एक न्यू ब्लॉग के अंदर। तो अभी अपने को जाना है हिसार, क्योंकि अपनी स्कूटी का हो रहा है चार्जर ख़राब, और चार्जर और बैटरी आप रखे आए थे परसों हिसार एजेंसी में। तो आज जाके देखते हैं क्या निकलता है उसका, क्या नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग, बने रहना आप भी हमारी इस वीडियो के साथ में। और गोरछे से राड़वास वाला जो रोड था वो नया बन गया है, बैग नंबर का बन गया है। तो अब ये रब है कितने दिन का ठीक वो पता नहीं। गाड़ी में डलवा लिया डीजल, ये नया पेट्रोल पंप खुलया है, इस पे डलवा के देखा इंडियन ऑयल का। देखते हैं किसा के निकलेगा इसका डीजल। और ये रोड बनने वाला है 4 लेन हिसार से लेके इंदवाण मोड़ तक, काम चालू हो गया इस रोड का, क्योंकि इस रोड पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहा है इंदवाण मोड़ से पहले आर्यनगर तक। तो अब ये रोड बन जाएगा तो टाइम भी कम लगे अगर आगे, और एक्सीडेंट वगैरह भी बहुत कम होंगे। आप पूछ गया हिसार, एक बार रुकांगे अड मलिक चौक पे, यार दोस्त है उसने लेके चलांगे, उसने भी कुछ काम है तो साथ में ही चलांगे, देखा वो है कि नहीं है शॉप पे। बलवान सेठ ने लिया ले, और ये सुनील की वेट करने लग रहे हैं। सुनील का ऑफिस है इस गली के अंदर, सुनील और राजा फिर चलांगे एक बार एजेंसी में। और सारे काम हो गए कंप्लीट, स्कूटी की बैटरी मिलेगी अपना सोमवार ने चार्जर समेत, और बीएसएनएल वाला ऑफिस का भी काम हो गया है। अब लेने गंडा से ही जोड़िए और फिर चलांगे सीधे घर पे, और बलवान ने उतारना मलिक चौक। बलवान जितनी ज़्यादा तावड़ करेगा नहीं उतना लेट होगा, ये इधर जचगी होगी। जच रही है मेरा तो, मैं पैरा जाऊं भाई, घनी तावड़ की मैं काम को नहीं, जचगी होगी। जचगी मैं तो आज ये फटक खुले जचगी होगी। बलवान पूरी तावड़ करा था, गंडासे भी लिया है आप, और सारे काम कंप्लीट हो गए। भी इसने उतारना था हाड़ा मलिक चौक पे, और फाटक हो गया बंद, और इसने जाना दुकान में, तो ये तो पैरे चल पड़ा। और आपा भी घर पे चलांगे। फाइनली खुल गया है, 15 मिनट की वेट के बाद फाटक खुल गया है, और दोनों साइड से लग रहा पूरा जाम। अब इसने पार करने में भी लगेगी 10 मिनट तो, और उसके बाद में चलांगे सीधे घर पे। यो बैठे है बलवान, इतनी देर में आगे आड़े बैठे है, इसने काम धंधा तो है नहीं कुछ, और उसका दुकान वाला बंदा वो अभी आओगा, वो अपने सेती चलेगा, उसने रास्ता में ड्रॉप कर देंगे आपा। तेरी तबीयत खराब हो रही है, और ओहो पर ना घरे सी को तेरी तबीयत खराब हो रही है। मना कुछ हाँ क्या बात है? नहीं बलवान नु गया था, बोला सोनिया की तबीयत खराब हो रही है, और उन्हें जाना है टेम सिर भुगत जाया करा, वो नू है कितना मैं लेट करवा दिया, कितना है? हाँ तू लेट करवा दिया। कितना का लेट है? घर जाने से तो लेट कौन करवाया, तो थोड़ा रेस्ट कर लियो, और तू जल्दी आ जा तो। अच्छा हाँ कोई नहीं। 6:04 हो गई है, युवान का आज बर्थडे, टाइटल वगैरह देख के पता चले गया हुआ आपने, और 6:04 हो गया, सामान वगैरह ले गया, अभी चलिया हूँ आर्यनगर से, 6:30 से पहले तो नहीं पूछा जागा, दूध दाद भी कारण जागे, जब मम्मी ने आईडी पाई तो, असल में तो आईडी पाओगी खेत में था इस टाइम तक तो। और यो भाई देखो किस तरह बैठ गया। फिर आओगा कि मेरे के लिए ना भाई सार तो कैब से चले थे, सार तो चल पड़े थे भगत ही, अरे यो सोचा तो लोग तो नौकरिया जुड़ू आज तावड़े करे जावांगे, अरे इसने जो और दिन जाया करे उस तो भी लेट कर दिए। ये भाई भितर है भितर, मंद मंद मुस्कुराने लग रहा है। तो चलो अब जल्दी जल्दी पहुँचते हैं घर पे, और फिर करते बर्थडे सेलिब्रेशन युवान का।
टाइम होया 6:18 ओनू लगन लग रहा अगर रात के गर्मियों में जो 10 बजे अगर है ना वो टाइम हो रहा है। अंधेरा इतना हो रहा है कि रात के 10 बज रहे गर्मियों में इतना अंधेरा हो जाए अगर इस टाइम पे और सर्दी आ गई तो इतना फर्क पड़ गया है दिनों में। वो टाइम हो गया 6:30 आपा पूछ गया गांव में ये जाके छोरा की करांगे बर्थडे की तैयारी और तो अपना कोई काम बचा नहीं है। दूध तो निकाल लिया हुआ माने